Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I hope all are doing good and doing well. So today's video is all about first impression, full face of makeup with one palette and product review. So without any further delay, let's quickly jump into the video. Channel पे first time आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो and आपको इस channel की vibe अच्छी लगती है तो please subscribe करना. सबसे पहले मैं अपना CDM routine follow कर लेती हूँ and जो भी product मैं use कर रही हूँ वो सभी के link आपको नीचे description box में मिल जाएंगे. डिटेल वीडियो नहीं है बट हम उसका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके साथ शेयर करूंगी. ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल एंड बेस्ट लिप बाम है. प्राइमर के लिए NYB का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. अभी इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है एंड ये एक्सपायर होने वाला है. मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से इसको ख़त्म कर लूँ. ब्लर कर देता है पोर्स को एंड स्मूथ कैनवास दे देता है एंड फाउंडेशन जो हमारे पोर्स में वो सोक नहीं होता है, बैठता नहीं है तो काफ़ी फ्लॉलेस बेस आता है. फाउंडेशन के लिए शुगर की फाउंडेशन स्टिक यूज़ कर रही हूँ, शेड टैंक लाटे. इसमें एक आपको ब्रश भी मिलता है एंड ये किसी काम का नहीं है, अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है एंड फाउंडेशन को ये पैची एंड केकी कर देता है. काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है, फुल कवरेज फाउंडेशन है. इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो एंड ब्राइटनेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो. देन ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, इसको डैम कर रखा है मैंने. लुक एट द फिनिश. साइड की कलर व्हील पैलेट यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी क्रीमी है तो इसे फिंगर की हेल्प से मैं ले रही हूँ. पहले मैं ये वाला कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. आउटर एंड जस्ट इनर पर अप्लाई कर रही हूँ. सो इस बॉडी का कंसीलर एंड थोड़ा थोड़ा मिडल में अप्लाई कर रही हूँ. आईब्रोज के लिए मैं काफ़ी टाइम बाद ये वाली किट यूज़ कर रही हूँ, हिलरी रोडा की. इसमें आपको एक छोटा सा ब्रश मिलता है, एक साइड पे स्पूली है एंड एक साइड पे आपको एंगुलर ब्रश मिलता है. इस तरीके से कॉम कर देती हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मार्स कॉस्मेटिक द सिटी पैराडाइज पैलेट इन द शेड मुंबई मेरी जान. दिस पैलेट इज 5-in-1 पैलेट. इसमें आपको हाइलाइटर, ब्लश, कॉन्टोर एंड कॉम्पैक्ट एंड आई शेडोज मिलते हैं. कैरी कर सकते हो फॉर ट्रेवलिंग. दिस इज द आउटर पैकेजिंग एंड आपको इसमें मैग्नेटिक क्लोजर मिलता है, यू कैन सी. इसमें आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता है. अपना लुक करूँगी, ये वाला शेड यूज़ करूँगी. एंड इससे मैं अपनी क्रीज डिफाइन कर रही हूँ. इसकी पिगमेंटेशन तो बहुत अच्छी लगी मुझे, 1 swipe पिगमेंटेशन है एंड फॉल आउट भी इतना नहीं हो रहा है. प्रोडक्ट को पिक करते टाइम थोड़ा पाउडरी लग रहा है बट जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो इतना फॉल आउट नहीं हो रहा है. ब्लेंडेबिलिटी बहुत अच्छी है. आई एम टेकिंग दिस शेड, थोड़ा सा इससे डार्क है एंड पिंकिश टोन में है.
पिगमेंटेड है एंड मुझे अच्छा लग रहा है इससे काम करने में। एंड इसके जस्ट नीचे इस तरीके से कर रही हूँ। मैं एक क्लीन ग्राइंडिंग ब्रश ले रही हूँ एंड इसकी हेल्प से सब कुछ मर्ज कर दूंगी एंड बहुत लाइट हैंड से। बेसिकली कोई हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए। डार्क शेड को नीचे भी अप्लाई करेंगे। नाउ मैं ये वाला ग्लिटर शेड ले रही हूँ एंड फिंगर के हेल्प से जस्ट ऊपर ऊपर टैप टैप करते हुए अप्लाई करूंगी। मैं फेस को सेट करना भूल गई पाउडर की हेल्प से, तो मैं पहले जो भी प्रोडक्ट यूज हुआ है उसको ब्लेंड कर रही हूँ, देन कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसको सेट कर देंगे। फॉल आउट भी नहीं हुआ है, यू कैन सी। एंड इसमें ये वाला कॉम्पैक्ट शेड है तो इसको अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है मेरे शेड के अकॉर्डिंग, देखते हैं। थोड़ा सा डार्क है ये। फेस अच्छे से सेट हो गया है, काजल अप्लाई कर रही हूँ। फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। सेम पैलेट में से कॉन्टोर अप्लाई करूंगी। नाइस, काफी प्यारा सा कलर है, ब्लेंड भी हो रहा है, कोई भी पैचेस नहीं छोड़ रहा है। सेम कलर से थोड़ा सा नोज को भी कॉन्टोर कर रही हूँ। टाइम टू ब्लश। वाओ, यू कैन सी कितना प्यारा कलर है, एकदम मॉबी पिंक प्यारा सा। थोड़ा सा टैप टैप करके अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि काफी पिगमेंटेड। कॉन्टोर के साथ मर्ज करते हुए अप्लाई करना है। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, बहुत प्यारा सा है। हाइलाइटर बहुत सुंदर है, यू कैन सी, कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसमें, काफ़ी सटल कलर है। थोड़ा सा पाउडरी तो लग रहा है। काफ़ी सटल सा हाईलाइट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी आप मेरे को विदाउट लिपस्टिक देख रहे हो, आप देख सकते हो आपको इस पैलेट का आई लुक देख सकते हो। ब्लश, कॉन्टोर, हाइलाइटर काफ़ी अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये वाला प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा है। अंडर 400 आपको मिलता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, टीनएजर्स के लिए अच्छा है प्रोडक्ट, अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो मैं अभी लुक को कम्प्लीट करके आती हूँ लिपस्टिक।